अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी अभी पूरी पैकिंग हो चुकी है और हम लोग भी तैयार हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने हैं, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे शिमला के लिए। तो शिमला यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर है मनाली से, लेकिन जितने भी बीच में पॉइंट्स आएंगे हम लोग वो सब कवर करते जाएंगे। तो इसलिए जो हम लोग का 3-4 घंटे का सफर है वो कम से कम 5-6 घंटे का हो जाएगा, और मे भी ज्यादा भी हो सकता है। तो चलो फिर निकलते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक जो ड्राइवर है उन्होंने बोला है आने के लिए। तो अभी हम लोग आधे घंटे में ना ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। तो मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है, मैं आपको बताती हूँ, और बैग वगैरह ये बाहर लेकर चले गए। और मैंने जैसे आपको बोली थी लास्ट में मैं व्यू बताऊंगी तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का ड्रेस, ये मैंने डेनिम का जैकेट पहना है, ये मेरा ड्रेस है। मैं बाद में आपको पूरा पिक डालूंगी, ठीक है? तो बहुत लेट हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। मैंने पूरा रूम बराबर से क्लीन करके दिया है। और ये देखो व्यू सुबह में, देखे कितना आइज हो गया है ना। रात में से नहीं हुआ है क्योंकि कल जो हुआ है उतना ही है, और शायद आज भी पूरा फॉग आया है। तो ये दिख रहा है ऊपर जितना भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये पूरा आइज है। देखो ये व्यू, मैं बताई ना आपको सुबह में बहुत सही व्यू लगता है। तो ये देखो, ये इस तरह से ये पूरा व्यू है यहाँ से। ये 5th फ्लोर पे हम लोग का, तो हम लोग ने थोड़ा ऊंचाई पे लिया था ताकि हम लोग अच्छे से व्यू देख सके। तो ये देखो मैं जूम करके बताती हूँ, दिख रहा है ये पूरा व्हाइट, पूरा बर्फ हुई है रात में, मतलब कल दिन भर, और आज भी बारिश हो रही है तो आज भी स्नो होने वाला है, ये देखो। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनाली को कर रहे हैं बाय बाय। बहुत बुरा लग रहा है ना जाने के लिए, क्योंकि बॉम्बे का क्लाइमेट बहुत खतरनाक है और यहाँ का क्लाइमेट एकदम डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी शिमला भी जाना है और टिकट भी है हम लोग का, 4 तारीख का रिटर्न है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कवर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे, और हम लोग फिर इस बार ना शिमला नहीं लेंगे, सिर्फ मनाली लेंगे। तो मैं भी सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शिमला में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मनाली ही होता है। पर अभी हम लोग का पैकेज ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो फ्रेंड्स, मैं निकलती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। अदियान रेडी हो गया जाने के लिए? अभी कहाँ जा रहा है? सीधा। हाँ, अभी सीधा कहाँ जा रहा है? खाना, और खाना खा के फिर कहाँ जाने का है आज? कहाँ जाने का है? तो ये देख रही आदियान ने पूरा फुल हैंड ग्लोव वगैरह पहने हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। ले पाएगा तू तेरा? देखो हम लोग अभी रूम बंद कर दिए, तो फिर फाइनली बाय बोल रहे हो मनाली को? चलो फिर बाय बाय। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बाय बोलो आदियान कर देख के। बाय 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 बाय। और ये देखो बारिश हो रही है, दिख रहा है? और यहाँ से भी ये देखो, इतना प्यारा व्यू है ना, सच में जाने दिल नहीं कर रहा है यार। शायद शिमला में भी यही ऐसा ही मौसम मिल जाए ना। बारिश तो चंडीगढ़ में भी बताइए ना, चंडीगढ़ शिमला। हाँ, बारिश आ रही है ना, कवर करो। चलो चलो चलो। बोलो बेटा। आज 2 दिन से वीडियो नहीं डाले अपन। ये चिकन सलामी है जो अपन नहीं खाएंगे, इट्स नॉट हलाल। प्लेन ऑमलेट खाएगा? अच्छा लगता है प्लेन ऑमलेट अदियान? इडली हरियान देख, इडली सांभर भी है। इडली सांभर खाएगा? तेरा फेवरेट है ना आदि? आदि इडली सांभर खाएगा? देख तेरा फेवरेट है इडली सांभर। एक उधर है, लास्ट में है। फ्रूट लास्ट में लेना, फ्रूट से पेट नहीं भरता। इडली दो इडली खा ले बस, ठीक है? चलो एक नहीं जाती, दो कार से खाऊ फिर तेरा शिमला कैंसिल कर दू। ये ले ले वहां से दो इडली। दो
बोले नो इसके बाद बोले तो मेरा नहीं सुनना तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने लिए ये नाश्ता लिया, पहले मैंने आद्यान के लिए लेकर आई थी और बाद में फिर मैंने अपने लिए लिया है। तो अभी हम लोग आज जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए क्योंकि भूख भी बहुत लग गई थी, बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। और दूसरा ये कि जल्दी निकलेंगे तो जल्द से जल्द शिमला पहुँचेंगे। हालांकि शिमला यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है मनाली से, लेकिन क्या है रास्ता मतलब वन वे होने की वजह से ड्राइवर बोले है क्या टाइम लग जाएगा, सब पहाड़ी एरिया है। और आपको मैं बताऊँ ये व्यू आप बाहर का देखो, इतना सही व्यू है ना, मैं जब से आई थी ना तब से मुझे ये वाले टेबल पर बैठना था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर बैठा रहता था क्योंकि हम लोग हमेशा लेट हो जाते थे। तो फाइनली मुझे आज मिला, तो यहाँ पर वेटर बता रहे थे कि ये होटल का जो है ना मेन व्यू वाला टेबल है। तो फाइनली जाने से पहले मुझे यहाँ पर जो है ना खाने के लिए मौका मिल ही गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यूज़ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना क्लिप आप लोगों के लिए ले रही थी क्योंकि मुझे इतना इंजॉय कर रही थी ना मैं ये ट्रिप को। पर लेकिन मेरा बच्चा है ना, उसको ना ये सब जो है ना पहाड़ी एरिया था तो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के जैसा हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ना सुला दिया था। और मैंने जो है ना दो दो जैकेट पहने थे और साथ में जो आप देखते मैंने शॉल भी ओढ़ कर रखा था, लेकिन फिर भी क्या बताओ इतनी ठंड थी। हालाँकि बारिश नहीं थी लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा बादल थे और ऐसा फील हो रहा था जैसे हमारी गाड़ी के साथ ही बादल चढ़े। और कई मौके पर तो ऐसा हो रहा था कि पूरे रास्ते पे जो है ना धुआं सा छा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधा क्लियरली दिख रहा है, तो पूरा एकदम फॉग हो गया था। लेकिन वो एक्चुअल में फॉग नहीं थी, वो क्लाउड ही थे क्योंकि आप देख सकते हैं सामने जो है ना पूरे क्लाउड दिख रहे, वही जो क्लाउड है वो कभी कभी जो है ना इस रास्ते पे आ जा रहे थे। तो इतना सही क्लाइमेट लग रहा था ना, और कभी कभी तो एकदम अंधेरा सा छा जा रहा था। तो मैं और ये बहुत इंजॉय करते चढ़ रहे थे। कई बार तो हम लोग ने मतलब सोचे कि गाड़ी रुका दे, लेकिन वन वे होने की वजह से ना सही नहीं था, रिक्स था। तो ड्राइवर बोले कि मैं रुका दूँ लेकिन ये नहीं माने, ये बोले नहीं हम लोग सीधे जाएंगे, होटल में भी व्यू इंशाल्लाह अच्छा मिल जाएगा तो वही हम लोग इंजॉय कर लेंगे। और साथ में अध्ययन भी गाड़ी में सोया था तो फिर हम लोग ने रिक्स नहीं लिए, नहीं तो मेरा तो दिल कर रहा था कि बस मैं वहाँ पर उतरूँ और अच्छे अच्छे जो है ना फ़ोटो क्लिक करूँ। तो मुझे फ़ोटो सेक्शन का तो नहीं मिल पाया लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है ना वीडियोस निकाल रही थी बैठे बैठे गाड़ी में से कि आपको मैं व्यू दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना सही व्यू है। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ से जो है ना होटल हम लोग का नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर पर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं अभी शिमला। अभी कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं ना, नहीं अभी 7:10 हो रहे हैं, हम लोग 7 बजे पहुंचे। कितने बजे निकले थे? 10:10 को तो निकल गए थे और फिर भी बीच में इतना कुछ नहीं रुके है ना, लंच नहीं था कुछ नहीं था, 250 किलोमीटर है लेकिन सिंगल रोड रहने की वजह से इतना टाइम हो गया। तो बहुत ज्यादा मतलब अध्ययन ने इतना परेशान किया ना, उसका पेट दर्द हो रहा था, उसको वोमिटिंग हो रही थी, लाइक आते के साथ बेड पे लेटा है। लेकिन ना सीनरीज कितनी सही थी ना, हम लोग दोनों ने तो बहुत इंजॉय किया। ये तो सो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था हम ऊपर है और बादल नीचे है, मतलब बहुत सही सीन था। मैं आपको ना पूरा वीडियो में भी बताऊंगी कि कैसा सीन है करके। और अभी हम लोग आए रूम में, तो मैं आपको पहले ना रूम बता देती हूँ कि रूम मेरा कैसा। मुझे ना मनाली से है ना, मनाली से अच्छा लग रहा है ना ये वाला रूम। मनाली के रूम में ना एक्चुअल में ना लाइट बहुत कम थी और दूसरा ना इतना क्लीन नहीं लग रहा था जितना मतलब होना चाहिए था। तो बट ये वाला ना मुझे बहुत पसंद आया और इसका जो व्यू है ना वो भी बहुत प्यारा है। बट इतना है कि इसका जो व्यू है ना वो इधर से दिख रहा है और इधर से उसको गैलरी दी गई है, तो गैलरी में से भी दिख रहा है। लेकिन उन्होंने ना बोला है कि ज्यादा गैलरी में मत जाओ क्योंकि यहाँ पर है ना क्या क्या है बोला उसने, मंकी है और क्या है, हाँ मंकी भी और लंगूर है ना, और कुछ तो है जो रूम में आ भी सकते। तो इसलिए हम लोग अभी ना गैलरी बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे, शायद से मैं सुबह में थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग आ ही रहे थे ना सीढ़ी से, मतलब ये होटल से थोड़ा नीचे उतर कर आने का है, तो पूरे बंदर थे, कम से कम 6-7 तो थे ही है ना अध्ययन। और अध्ययन ना उनसे बातें करने लगा और मुझे इतना डर लगा था, मैंने उसको फटाफट ऊपर लेकर आ गई। तो ये देखो ये यहाँ से ये जो व्यू है ना बहुत सही लग रहा है ना, दिखाती हूँ मैं पूरा रूम दिखाती हूँ चलो आपको। देखो यहाँ से ये रूम की एंट्री है और आते के साथ ये बेड है, और ये बेड पे कौन है? आद्यान। और आद्यान ने मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है ना। हाँ,
मनाली से भी ज्यादा ठंडी है, क्योंकि ये है ना पूरा एकदम पहाड़ों पे है, मतलब शिमला ही पूरा पहाड़ पे है, मतलब ऐसा है कि आप समझ लो कि बादलों के ऊपर ही हम लोग है। तो आते के साथ पहले हमने रूम हीटर लगाए, अभी पहले थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर ना मुंह हाथ वगैरह धोएंगे, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है ना कि बिल्कुल भी पानी में नहीं जा पाते। तो यहाँ पर देखो ये बेड है, और मुझे ना ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना इसका ऐसा थोड़ा सा ना फोटोज वगैरह क्लिक करके रखूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब कलर करूंगी ना तो ऐसा कुछ करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जब कलर करूंगी ना तो ऐसा कुछ करवा के लूंगी, है ना ध्यान। और मुझे बहुत प्यारा लगा, और ये पूरा मैचिंग करके दिया है देखो कलर के साथ, इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये छोटा सा डाइनिंग टेबल है टी कॉफी के लिए, है ना, अच्छा है ना। और यहाँ छोटा वार्डरोब है, ये टीवी है, यहाँ पे कॉफी सेक्शन है, और ये भी यहाँ पर एक तरह से देखो यहाँ से भी व्यू है। तो वो जो सामने दिख रही है लाइट्स, वो सब जो है ना शिमला की सिटी है, तो जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना एकदम कलरफुल घर वगैरह, सेम वो व्यू लग रहा है वो यहाँ से। और यहाँ पर है गैलरी, ये गैलरी है जो हम अभी नहीं ओपन करेंगे बिकॉज ऑफ मंकी। और ये मिरर है, और ये आज का मेरा आउटफिट है, कैसा लग रहा है जरूर बताओ। मैंने आज तो इसमें एक भी फोटो क्लिक्स नहीं की, पर ये वाले इसमें। और मैं चलो पहले आपको ना बाहर का व्यू बताती हूँ। तो अभी आए थे ना हम लोग, तो जब ज्यादा मतलब अच्छा व्यू आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा उजाला था, अभी शायद अंधेरा हो गया है ना, तो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। बंद रहेंगे, बंद कर दो, उसने बोला है शाम के टाइम पे नहीं खोलना है, तो सुबह में शायद से मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगी, बट अभी देख लो, क्योंकि मैं ना वो नहीं ओपन कर सकती विंडो, क्योंकि मंकी के आने का, हाँ मंकी के भी आने का डर लग रहा है, डर भी लगा है ना। ये देखो ये पूरा रूम है, और वो सामने जो है ना एक डोर वो बाथरूम है, तो चल मैं बाथरूम भी आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा बाथरूम, ठीक है, ये छोटू सा है लेकिन बहुत क्लीन है, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मनाली का ना मैंने उसको एक दो बार बोली क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे इतना मतलब बाथरूम बहुत अच्छा था, एकदम मतलब लग्जरी था, लेकिन क्या है ना क्लीन नहीं था, है ना, इतना अपने को बोल के करवाना पड़ा। क्या हो गया, गरम लग रहा है अभी, थोड़ा ठीक लग रहा था, पर ये खोली ना बाथरूम का दरवाजा, वापस से गर्म हो गया ना, उनका दरवाजा खोलती ना तो वापस से ठंडा स्टार्ट हो गया। मैं पहले उसको बंद करती, बंद भी नहीं हो रहा है वो, उधर बंद कर देना उसको। और अध्ययन को देखो आते के साथ फोन में बैठा है, तो मैं उसको बिल्कुल भी बोल रही हूँ कि अभी फिलहाल में ना पहले गर्म हो ले, उसके बाद जरा रूम गर्म हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर हम लोग ना चेंज वगैरह करेंगे। तो चलो अभी मैं ना थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, फिर हम लोग अभी डिनर को जाएंगे। तो डिनर कितने 8 बजे से स्टार्ट होगा बोला, 8 से 10:30 बजे तक। हाँ तो यहाँ पर है ना प्रॉब्लम ये है मनाली और शिमला में ना, यहाँ पर है ना चिकन मटन मिलता है और बनाते भी बहुत अच्छे, लेकिन हम लोग खा नहीं पा रहे है ना, अब यहाँ पर है ना हलाल नहीं मिलता है। हाँ हलाल नहीं मिलता है, तो पहले हम लोग ने पूरी इंक्वायरी की कि हलाल है, तो जिसको भी पूछे लेकिन बेचारे सही बताते कि हलाल नहीं है। तो मनाली में भी फर्स्ट डे हम लोग ने वेज खाए थे, फिर 2 दिन उन्होंने बराबर से हम लोग को अरेंज करके दिए, तो आज भी शायद यही सीन होने वाला है। वो बोले कि आज रात को पॉसिबल नहीं है हलाल चिकन, आप चाहो तो वो खा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे, हम आज भी वेज खाएंगे, फिर वो कल हम लोग को हलाल चिकन ला कर देंगे, तो जो हम बोलेंगे फिर वो बना कर दे देंगे। तो चलो अभी मैं जाती हूँ चेंज करने, ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रही है गाँव में जैसा करते वैसा, तुमने तो जैसा अपन गाँव में करते ना वो छोटी सी आग जला के वैसा बैठ गए। अभी भी तुमको गर्म सुन लिया होगा, इतना टाइम हो गया हीटर लगकर भी, हाँ तभी भी ठंड लग रहे ना। मेरे शूज जैसे निकाली ना मैंने, मेरे को ठंडी लगना चालू हो गई पैरों को, नहीं तो पैरों को ना तब से ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन शूज निकालने के बाद लग रही है। तो मेरे हिसाब से मनाली से ज्यादा ठंडी है ना, शिमला पहाड़ों पे हाँ यहाँ पे ज्यादा ठंडी है, मनाली में भी बहुत ठंडी थी, लेकिन वहां पर एटलीस्ट ना हम लोग बारिश में जो भीग कर आ रहे थे ना तब ठंडी लग रही थी, है ना, यहाँ पर तो भीगी भी नहीं तो भी ठंडी लग रही, बट यहाँ पर पूरी बारिश ही है, आए तब से बारिश ही है। तो वो बोल रहे कि अभी मानसून चालू है ना, देखते अभी कल ऐसी बारिश रही तो वो बोल रहे थे कि पॉइंट्स भी मनावर पूरे देखने नहीं मिलेंगे। अभी कल सुबह में जाना है हम लोग को साइट सीन के लिए, अच्छा लग रहा है, हाँ सच में अच्छा लग रहा है, थोड़ा दूर रहने के लिए बोला है उसने, हाँ उसने बोला है कि दूर रहो और रात को बंद करके सो जाओ, और रूम से बाहर निकलेंगे तो भी ऑफ करके जाना है।
तो फ्रेंड्स, ये जो है ना होटल के बाहर से मैंने थोड़ा सा बाहर निकल के आप लोगों के लिए व्यू निकाली हूँ कि कैसा व्यू था, क्योंकि अंदर जो है ना मिरर की वजह से, जो है ना विंडो के मिरर की वजह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो बड़े डरते डरते मैंने ये वीडियो निकाला, क्योंकि यहाँ पर ना जब हम लोग आए ना तब 3-4 मंकी बैठे हुए थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रात डिनर को जाने से पहले ना सोचा कि चलो आपको ना व्यू दे देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और मैं बताऊँ कि मैं जो सामने से देख रही थी उसमें और जो कैमरे में मतलब व्यू आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन आई होप कि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।